इस वास्ते बुलाया कि तेनू किस तरह पता चला कि सलमा दी जान खतरे विच है। मंजूर दे एक दोस्त है, वो मेरा भी दोस्त है, उसने बताया कि मंजूर अपनी बीवी को कत्ल करना चाहता है। मगर मैं हैरान हूं कि मंजूर नो उससे के दुख है। चाची गुल, मैं एक गल पूछना चाहता हूं। क्या गल है? तू सलाम करना भी भूल गया? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैं चाची गुल, मैं माफी चाहता हूं। बरे मनु ये दसो के तो आने जमीले दा मंगेवा कर छोड़ा? हाँ मंगेवा कर छोड़ा, पर तू क्यों पूछ रहे? तो आने मनु नहीं बताया? ना मैं अखबार ही देंदा, वो जा खाली गल पे चल दिए। जिस वे गल मुकम्मल हो सी उदे बाद में किसने दसा? मेरी मन ते नौशाद नाल जाके मुलाकात ता करना, ते अगर मैं इनकार कर दमा तावत? तावत भी कुछ नहीं गा, बस है अगे हाथ जोड़ने एक मेहरबानी कर लेवी के जाके कचकोल ले आवी, क्योंकि आखिरी राय वही रह गई है के बाहर बैठ के ते खैर मंगा। खान बहादुर साहब, बंदा कितना ही सोचे लेकिन होंदा वही है जो खुदा मंजूर होंदा है। इस वास्ते अल्लाह ते तवक्कुल करना चाहिए। करीम जान ने ते अपने तीदा रिश्ता बड़े लोग दे दिता है, पर मनु ये परेशानी है कि पता नहीं मेरी तीदा रिश्ता किसी बड़े घर चोसी गए ना उसी। बड़े छोटे की गल नहीं खान बहादुर साहब, तिया अपने घर अपना नसीब कहन के जुलदिया होंगे। वो थोड़ी गल ठीक है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं फराज को अपनी दीदा रिश्ता देवा। तू तू इतने के करना? नौशाद साहब, ए ने साडा सेठ सलमान बढ़िया मिलन दा मालिक है, ते जी अपना बच्चा नौशाद कारोबारी आदमी है। तू क्या क्यों मुंह मोड़ ले? ए इन दा के नाम ए फराज? हां जी, ए फराज साहब है जी, कमाल दा बंदा है, कमाल दा बंदा। चुकवाना ने इनू कहो, बंदा कुआना ने इनू कहो। फराज पुत्र, क्या हाल है तेरा? जी ठीक है। करीम जान साहब, कि मेरा एक ही पुत्र है तो मैं उसनु तेरे पुत्र दी टसली मरवाना नहीं चाहना। मैं के भी कहना वा, बड़ा भोला बनाया करीम जान, तने धी नु रखवाया शरीफ बंदियां दे पुत्रां नु फसाने वास्ते, ते पुत्र नु तने उजरती कातल ते बदमाश बनाया। बस सलमान साहब, बस रिश्ता तोड़े हो नहीं। देख, मैं तो तेरी भैन का रिश्ता पान के आ गया वहां, हूं ड्रामे क्यों करता है? चल दबाओ। बस सेठ बस, मेरी एक गल कान खोल के सुन के, अगर ये शादी हो गई तेरी ते तेरे बेटे दी जिंदगी दी जमानत मैं दे सा, अगर ये शादी ना हुई ते तू ते तेरे बेटा जिंदा ना रह सो। चल फराज। थोड़ी देर से मैं करो बाहर गई तो पीछे तक क्या मती आ गई है कार बिच, तुसी क्यों नहीं दसते हो? के दसा आशा, सी बर्बाद हो गए। तेरे लाडले पुत्र दे हथों मेरी सारी जिंदगी दी बढ़ाई हुई इज्जत खाक विच मिल गई। अल्लाह खैर करे, क्या कीते मेरे पुत्र फराज ने? गले में आशा के सेठ सलमान जाके नूरीन दा रिश्ता तोड़ गया, ते सारा कुछ फराज दी वजह तों है। फराज ए जा केड़ा काम कीता है जिस दी नौबत इत्थे तक आ गई है? सेठ सलमान दे बकौल फराज एक उजरती कातिल है आशा। हाय अल्लाह,
कोई भी शरीफ आदमी अपने बच्चा का रिश्ता इजे करे कदे नहीं करता। जी अम्मी जी अब ठीक कहने ते नाले सेठ सुलेमान ने बढ़िया नरवा गल्ला कीतियां ने मेरे लाउड की सी मते पहले डर आया मेरा पुत्र की गलत राह में ना टूट जावे हुन क्यों करीम फरास निकल था मैं आना निकल जाऊं मेरे करे बचाओ तेरे जैसे शख्स जिस करे पे कोई जगह नहीं पर अबू जी है कि कुछ मां भी दसो बस कर ले मेरे को पूछने हो या के वे उजदर दी कातिल दी इस करे पे कोई जगह नहीं मैं मन कर सके मेरा कोई बचा नहीं लेकिन मैं बेस्ती बर्दाश्त कर रखता निकल ले तो फरास छोड़ दे आशा लाती को तुम बेहतर के इंसान ये सोच कर के उसका कोई पुत्र नहीं है के गल है जुबैर पुत्र जड़े खुद देखो तू मथे दे वट पा के ते मुंह लटका के बैठा होना खैर तो है ना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਨੂਰੀਨ ਨਾਲ ਮਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਡੈਡੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਫਰਾਜ਼ ਹੈ ਨੂਰੀਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਓ ਪੁੱਤਰ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਡੈਡੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਓਹੋ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ तेरी नूरीन नाल शादी नहीं हो सकती और दुनिया च कुड़ियां थोड़ी हैं एक अच्छी सी अच्छी कुड़ी है मैं एक कुड़ी नाल तेरा व्याह करा देसा मैंने व्याह करने ही नहीं गा डैडी की गल है फरास तू इतना उदास क्यों बैठी है तेरे मामे गलत टाइम ते गलत गल करके मां तो बर्बाद कर छोड़ा पर वो किस तरह सेठ सुलमान मेरी भैन का रिश्ता तोड़ देता है तो फिर मेरे मां बाप ने मुझे घर तो भी कर देता है ये तो बहुत ही बुरी खबर है पर तू फिक्र क्यों कर रहे तू ते नुशादी करनी पे रहने फिकर क्यों ना करा तो ये गल है कि मैं नुशाद ने डेरे ते रहना नहीं चाहना चल इस तरह करने असि दोवे इस शहर छोड़ के किधरे और चले जाते हैं की इस शहर छोड़ वंजा नहीं सर नहीं इस शहर विच मेरी मोहब्बत जमीला मेरे मां प्यो मेरी भैन तो फिर इन्हें सारे छोड़ के मैं नहीं जुल सकना इन्हें सारे मां छोड़ा है मैं ना नहीं छोड़ सकना एक गले ते हाँ मेरा एक खास बंदा है शक्ला तो ते बड़ा मासूम है लेकिन है बड़ा कमदा तू सबर कर मैं उन्हें बुला दिया मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ जल्दी तू इतने मेरे कोल पहुंचा तेरे नाल मैं बड़ा ही जरूरी काम है ए फराज़ है हाँ ते आज तू बाद तेरे नाल रहसी हाँ तू पैसों की फिक्र ना कर लेकिन लेकिन सरदारे नौशाद ते मेरे मामे नूं पता नहीं चलना चाहिए हाँ हाँ
शबाना। कितनी देर दा पई इंतजार कर रही है मैं तो सदा। खैर ते है ना? खैर ही तेरे हस्ते खैर दी खबर क्यों गया? अच्छा ओ मेरी खबर है। मेरे अबू कराची तो वापस आ गए ने। सच? हां ते ओनो मेरा व्याह करके ही वापस चल सण। ए क्या? ओना ते असर शादी तो बाद असा कोल ही रहना चाहिए था। इस वास्ते कि ओना दा कारोबार कराची है छे। कितने दिन वास्ते आए ने? सिर्फ 3 हफ्ते वास्ते आए ने ते आंदे ही ओना ने तेरे डैडी ने फोन कर छटा है। अजो शामी तो संदे घर आ सण ते साडे वेह दे दाड़े रख के बस। इसका मतलब है कि मां उन घर ही होना चाहिए। चल मैं तुदा घर छोड़ा। ठीक है। शाह जी तुमने तने दा चार दितो है काफी दिन हो गए ना? यस सर। तने दी की प्रोग्रेस है? सर पहले से बेहतर है। यानी चार घंटे के बाद इलाके जुराइम ने कंट्रोल कर लिया है। सर जुराइम का मुकम्मल खात्मा अजला मुमकिन नहीं गा। तो फिर तुसे कीता की है? सर साने चोरी दो केस पकड़े ने ते मुख्तलिफ जगह छापे मार के 5 खतरनाक मखरूर ते 4 मनशियात फरोश पकड़े। सर इस दे अलावा इस इलाके विच साने सारे जुए दे अड्डे भी बंद करा दिते। गुड। मगर इस वक्त असली मसला दहशतगर्दी का है। मनु रिपोर्ट आई कि तुहाडे इलाके दे इसका कोई बंदा उन्हां नूं असला ते बारूद सप्लाई करता। सर उसका भी पता लगा ले सी। सानी इस इलाके विच सारे गलत लोगों नूं वार्निंग दे दित्ती है। या तो वो जुर्म छोड़ देवे तो या फिर इलाका छोड़ दे। शाह जी उस दिन कतल दे जिन्हां केसेस दा जिक्र होया सी उन्हें शिकार कोई पेशरफ्त हुई? सर मकतूल निसार दे केस के सिलसिले सारे उसके दुश्मन सरदार से नज़र रखी हुई है। बस सबूत या गवाह पे तलाश करने हैं। तो वो टैक्सी ड्राइवर गुलजार? सर मनीष की बीवी का दोबारा बयान लिता है। उसते मामूली जिहा शक नज़र आया। इसी खातिर मनीष की कार की निगरानी से बंदा बिठा देता है। इंशाल्लाह सर मुजरिम जल्दी पकड़े जा सर। वेरी गुड। तू ये दस शमरेज के गुलजार दे कार फराजी गया है? हाँ जी मैं खुद देखा फराजी है। लेकिन उस दे कार क्यों गया उसी? जिस तो कुल तुआड़ा एक खादम अनोर जिंदा है तो उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि नौशाद साहब मैं फराज को लो आप ही पूछ ले। नहीं अनवर नहीं उसी पूछना नहीं का बल्कि खुफिया तौर पर पता लगाना है कि वह थे क्यों जाता है क्योंकि जिस बंदे ने वो कत्ल कर चुका वे ते उसकी बीवी नाल उसका के तल्लुक है। नौशाद साहब गुलजार की बीवी जवान भी है तो खूबसूरत भी है। यह भी हो सकता है कि उसकी बीवी फराज नू पसंद आ गई हो? नहीं नौशाद साहब यह गल नहीं गई। दरअसल गल ये वे कि वह खान बहादुर की धी नू पसंद करता है ते उस नाल ब्याह करना चाहते। इस गल का तो मैंने भी पता है अनवर क्योंकि वह इस वास्ते ही साढ़े हाथ चढ़ है। लेकिन मैं तो इस गल तो परेशान हाँ कि वह थे क्यों जाता है। तुसी में इशारा मुशाद साहब इस इलाके में इंस्पेक्टर शाह जी बदल के आ गया ने। मैंने पता है शमरेस जड़ा बंदा जुर्म करता है उसदियाँ नजर चारे पासे आंदियां। लेकिन इंस्पेक्टर शाह जी बड़ा सख्त बंदा वे जी। ठीक है तुसी भी मुतात रहे हो क्योंकि हनेरे दे आसार देख के आसमान ते परिंदे भी मुतात हो जाते। शमरेश जी तू भी किनारे हो जाओ। ठीक है जी। नौशाद साहब बादल ने असला मंगाया ते असला उसने पहुंचाना है। ठीक है अनवर लेकिन जरा मुतात रहना है क्योंकि शाह जी की डिप्टी का पता करना है कि किड़े इलाके में उस तो बाद असले का सोचना कि असी किस रस्ते वालों ले जाना। ठीक है जी जिस तरह तुम कहते हो। हले इस बारे में असी सोचने हैं। मामी तुसी ये ठीक नहीं कीता फराज दी पैन दा रिश्ता तोड़ के। ओ बावा तेरे के कितनी कसमां खावां वो केड़ी गल ते तू इतबार कर से मनु नहीं आया पता कि सेठ सुलमान दा पुत्र जड़ा है ते ओ फराज दी पैन नाल मंगो है
पता नहीं मनु की हो गया, मुंह नु ऐसा हो गया है कि मालो खोलिया मार गया, बस मेरे मुंह चो गल निकल गई। पर मामे उन कुछ इस तरह करो कि रिश्ता दोबारा जुड़ जावे। हो दिल नु खुदा दी कसम के तीली ला दितिया, सारी उम्र लोका नाल अच्छा कीता है, सारी उम्र ते सारी उम्र चोली दे इशकार बुराई पैंदी रही है। तेनु के कुछ कहो ते के कुछ सुन से ऐ सारा नु ले ले, सारा नाल अपनी जान गाल लीती तक खिचड़ा बन गया वहां, किस मुकाम ते उन्हें पहुंचाया है ते उसने के कीता है। मनु अच्छी तरह याद है जिस वक्त मैंने सारा नु मुलाजमत दस्ते नौशाद कोल भिजवाया। ठीक है मैं थोड़ी देर तक आ जासा ना, तुसी उन्हें उठे बैठाओ, बाकी गल उठी है। ठीक है ओके ओके मैं उठी आसा। अच्छा तुहानू नौकरी चाहिदी जी, पर मामा जी नाल क्यों नहीं आए? ओ मामा जी नू कोई कम पै गया सी, इसे वास्ते वो नाल नहीं आ सके। बड़ा अजीब बंदा है, कली कुड़ियां भिजवा छटस और जमाना कितना खराब है। अपनी हिफाजत करना मैं खूब जाननी हूं। बड़ा खुश होया है नुशाद तेरी इस गल तो। तुसी ये दसो मनु नौकरी ते मिल जासी ना? नौकरी? हाँ जी नौकरी। नहीं तुहानू नौकरी नहीं मिल सकती। पर वो क्यों? वो इस वास्ते के तू कुदरत दा हसीन शाहकार है ते मैं अल्लाह दा बड़ा कमजोर जिहा बंदा। पर मामा जी ने तो क्या सी ये नौकरी मेरे वास्ते पक्की है। देखो सर प्लीज दरअसल सारा जी मैं एक्चुअली साडे नाल व्याह करना चाहना। जी सर? सर नहीं नुशाद खाओ। मैं देख तू मामे दी भांजी है, इस वास्ते मैं तुहानू इत्थे होटल ते बुलाया ते मेरा ड्राइवर तुहानू तुहाड़े घर ड्रॉप कर दे सी ते बाकी गल्लां मैं मामे नाल खुद कर ले सा। ओके हैव अ नाइस टाइम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। सारे गल दी मैं समझ नहीं आती कि तेरे नाल मिलने तो बाद मेरी जिंदगी बिच अजीब जी तब्दीली आ रही है। बिल्कुल हैरत दी गल है, शायद इस वाड़ी दूसरी मुलाकात है ना? सारा मैं आप इस गल तो बड़ा परेशान हाँ कि इतने घट टाइम बिच असी एक दूसरे के कोल आ गए। ये तो स्वाडी जरा नवाजी है नौशाद साहब, वरना वरना असी इस काबिल के थे। आई एम सॉरी सारा, शायद तुसा इस गल तो माइंड कीते होवे, गल वे कि मैं बड़ा रोमांटिक जिहा बंदा वा ते तुसी मेरी गल्लां तो खफा नहीं होना। तुसी कह रहे हो जो ये सब, चलो खैर इस गल्लां नू छोड़ो, तुसी ये दसो के मेरा काम क्या होसी? तेरा काम बस मेरे नाल फिरना टुरना। फिरना टुरना के मतलब?
गल है सारा के मैं कि जी लड़की की जरूरत है जिड़ी मेरे कारोबार संभाल लगे तो नाले मम्मी संभाले ते ओ तेरे तो बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। ठीक है नौशाद साहब, तुसी मेरे ते अतमाद कर सकते हो ते मैं अपनी तरफों पूरी पूरी कोशिश कर सकी मैं स्वाडे अतमाद ते पूरी उतरा। सारा मां तेरे ते यही यकीन है। अच्छा तू एक मिनट ठहर, मैं आया। देख सारा, कुदरत हर वक्त मेहरबान नहीं होंदी। ये बंदा जिओ चाहिए मामे दे जुल्म तो छुटकारा हासिल करने लिए बहुत बेहतर है। ये ना होवे के ये बंदा तेरे हाथ तो निकल जावे ते तू देखती थी देखती रह जावे। सारा तू इहदे नाल फौरन शादी कर ले, फौरन शादी कर ले। बड़ी शर्म की गल है कि साढ़े थाने के हदूद किसी हलत बंदे का सानू पता ना लगे तो उसकी मालूमात इस हिसाब से हो जाए। ये कोई नई गल नहीं सर, पुलिस के आला अफसरान की नज़र जिले के पूरे थाने पर होती है। जनवास साढ़े इलाके में ऐसा कौन बंदा है जो कि असलहे से बारूद का नजायज कारोबार करता है? इस गल ने तो मैंने भी सोच पा दिता सर, तू अजे तक किस तरह साड़ी नज़र से छुपा है। बास लोग शराफत लिबास विच बड़े वड़े वड़े बुजुर्ग होंगे, उन्होंने लपना जरा मुश्किल जरूर होंगे मगर नामुमकिन नहीं होंगे। जी सर, मुजरम सात पर्दे भी नहीं छुप सकता, इसका पता लगा ले से सर। सलामुअलैकुम सर। वालेकुम असलाम। हाँ दुरानी, क्या खबर ले आए? सर गुलजार के घर से बंदा गए थोड़ी देर बाद वापस निकले। कौन है वो बंदा? सर वो बंदे भी बने चोरी ने तस्वीर भी पड़ा है, ये तुम खुद देख लो सर। देख नवाज कौन है बंदा? ये बंदा अपने इलाके का है जी। दुरानी तने पता कहते है कि बंदा कौन है ते कितने रहते है? नहीं सर, मेरी ड्यूटी सिर्फ गुलजार के कार से आने जाने वाले की नजर रखनी चाहिए। ओ खुदाया, मनु केड़े बंदे दे वाप आ रहे थे, ए ते मनु चला कर देसी। दुरानी दुरानी बस तू जा यार, ए तू सी चला जा। अच्छा जी। ओ गल सुन, किधे जाने? जी सर ड्यूटी ते। ओ ड्यूटी ते नहीं, अपनी बदली करा ते थाने से चला जा। इसके खिलाफ कंप्लेंट लिख, केस पे तो सी ट्रांसफर किया जावे। ओ खैर सर छोड़ो, ये इन भी रिटायर होने वाला है ते फिर इस तू ड्यूटी करने का तरीका सिखा। ओके सर। अबू जी क्या पे सोचते हो? सोचना मैं पुत्र के कितना बदनसीब पे, मेरे दो ही बच्चे थे, दुआ दे मत थे बदनामी का दाग लग गया। नहीं अबू जी, जुर्म दी दलदल च फराज नु फसाया गया है ते जिथे तक मेरी गल है इंशाल्लाह एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आसी। ते अम्मी दा तुसी फिक्र ना करो, उन्हां दा मैं पूरा ख्याल रखनी पई हां। तेरी अम्मी दी भी बड़ी फिक्र है, ओते इस सदमे नाल अपने होश हवास ही खो बैठी है पुत्र। दुख ते इस गल्ल दा पुत्र के सेठ सुलेमान ने तुदा अपने पुत्र इसते मंग के बाद विच क्यों ठुकराया? यार अनवर, जदों दा मेरी भैण दा रिश्ता टुटा मैं यार जिन तौर ते बड़ा डिस्टर्ब हूं। क्यों? क्योंकि मां लगना है मां ते मेरी भैण इस जमाने की नजर खा गई है। वो इस खातों पिता ने अपनी प्यारों से बहुत कुछ बढ़ाया ना यार, मां लगना है कि हर बंदा मेरे तक ही सवाल करना चाहता है ये दौलत के थमान दिया
यार तू ने निकिया निकिया गला नु छोड़ ते कोशिश कर के थोड़े जे वक्त ही करोड़पति बन जावे। करोड़पति यार इस दौलत हिक हिक करके मेरे को हर रिश्ता दूर कर छोड़ा। माए जी दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माए जी दौलत, नफरत है माए इस दौलत को, नहीं चाहिए यार माए दौलत। देख जुबैर तेरी ते मेरी गल खत्म हो चुकी है। मैं जानना हूं नूरीन मेरी डैडी दी इनकार दी वजह ना तेरे दिल नो दुख पहुंचा है, मगर इससे मेरा कोई कसूर नहीं गा। हां कसूर ते मेरा है कि मैं एक मुजरिम दी बहन हां। मगर तू ता मुजरिम नहीं की है ना। मगर तेरे डैडी ने मेरे भरा दे जुर्म दी सजा मेनू ते मेरे मां प्यो नु क्यों दीती है। नूरीन यार पुत्र बैठ जा, तू इधर आ बैठ। जुबैर तू इन्हें सिक्के लेके आया इस वक्त लेके आया डैडी कि एक तख्ती लिख के गले दे विच पा दो कि एक मुजरम दी भैन है लिहाजा भी एक मुजरम है। के चलिया बे मार दा जुबैर पुत्र, मैं एक और ये गल करके ते गलती कर चुका हूं। ते बात तू इस टूटे रिश्ते नु जोड़ने क्यों नहीं गयो डैडी। ओ इस वास्ते जुबैर कि मैं एक और करीम जान नु इनकार कर चुका हूं ते हुण हां करने दी मेरे च हिम्मत नहीं है। मगर दिते हुए जख्मा ते मरम रखने वास्ते इंसान नु अपना सिर नीवा कर लेना चाहिदा डैडी। ठीक है मगर हुण मैं सिर उच्चा करके ते करीम जान को जासा ते ओदे जख्मा दे मलम भी रखसा। नूरीन पुत्र तू हुण कार चल, मैं वा तेरे कार आसा। आ मैं तन्नू छोड़ावां नूरीन। तू छोड़ पुत्र, इनू मैं आप छोड़ के आना। चल आ पुत्र चल। चिट्टे चने दी चांदनी सरगी दे तारे आ। आई ओए पीरे तेरा नाम पीरा किने रखे है? मेरा नाम पीरा किसने रखा है? ओए गल एवे बाबा के मैं पीर आले तेड़े पैदा होया हां ते मेरा नाम पीरे ते तू इतवार नु क्यों नहीं पैदा होया? बोले ओए चल तन्नू पता नहीं है कि मैं ई वलायत पैदा होया हां ते वलायत च इतवार नु छुट्टी होंदी है ते तू पीर नु क्यों पैदा होया वा? देखना यार कि अगर मैं पीर नु पैदा होया वा, अगर ना होना ना मैं पीर नु पैदा ते लोग मनु भी पीरा कह दे। हां यार ये गल भी ठीक है, बात लोग भी पीरा कह दे। हला तू ये दस कि तू फकीरा तेरा नाम किसने रखा है फकीरा? यार मैं बदकिस्मत फकीरा दी झोपड़ी जो पैदा हो गया। ओए दस के तेरे जमने दे कोई खुश है या? मेरे जमने ते सारे फकीर खुश है। ते पते काका नहीं जमया तू क्या बड़ी मां दे तमाल पे पौने पेंटो सा डॉक्टर डजा डा। अल्लाह पहले तो मनु शक आया हुन तो यकीन हो गया कि नौकर तो तू अमीरा दे पर तेरा जेडी ये शिकले बुठाड जड़े ये फकीर वाला क्यों है? मेरी शक्ल फकीर वाली है। हां ओए चले मैं तो कहने छोड़े नौकरी ते जा किसे ज्यादा ते बह जा ते खैर मांग दियो जी अल्लाह दे ना ते कोई दे जाऊं कोई दे जाओ अल्लाह दे ना ते तू मैं और ज्यादा से बह के खैरात पे मांगा। हां ओए ओए बाबा बाबा बस यार मैं ते तेरे ना मजाक की देते तू खफा हो गया यार मैं भी तेरे नाल जासा खैर मांगता चल के चल चल। अच्छा देख बेटा कौन है? अबू जी अंकल सुलेमान आए ने। अस्सलाम वालेकुम करीम जान सर। सेठ सुलेमान बेस्ती में कोई कसर रह गई जिड़ी आज पूरी करने आए हो? पुत्र तुझा मेरे से कप चाह बढ़ा के लिया मजेदार जी और देख अबू से भी लाया क्या क्या मेरी दी जी। करीम जान साहब
मैं अपने फैसले से बड़ा सोचता रहा कि मैंने ये फैसला सही किया कि गलत। सिर साहब तुसा यह फैसला बिल्कुल ठीक किया। देखो ना, मुजरम की भैन भी मुजरम होंगी, उसके माँ प्यो भी मुजरम होंगे, बल्कि मुजरम का सारा खानदान ही मुजरम। बिल्कुल ठीक फैसला। नहीं 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 करीम जान सर, ये गल नहीं गई। देखो ना, मैं सोच रहा वा कि अगर मुजरम की सजा उसकी भैन को दी गई तो फिर सारे मुजरम दियां धियां ते भैन सारी जिंदगी अपने घर बैठिया रह सो। काश सोच तुसा पहले आ गई होंगी सेठ साहब, तो जिहड़ी बदनामी ते सदमा असीं नूरीन दी मंगणी तोड़ने तो बाद पे उठाने आ उह ना उठाते। तुसां पता सेठ साहब, नूरीन दी मां दा इस दुख ते सदमे नाल क्या हाल, वो अपने होशां विच नहीं है, ते मैं किस तरह बदनामी नाल लोगों दी नज़र दा सामना पिया करना। ते रह गया फराज, सब ने उसकी इसलाह करने की बजाय उसे वापस जुर्म की दलदल में छोड़ा। नहीं करीम जान साहब नहीं, देखो फराज बुरा आदमी नहीं गा, वो जुर्म की दलदल जरूर फंस गया, मगर देखो मैंने उन्हें माफ कर दिता है, क्योंकि वह दिल का बुरा नहीं गा, तुसी भी उन्हें माफ कर दियो। ते रही गल रिश्ते दी, ते मैं तो हूं नवे रिश्ते जोड़ने आया। बैठो। करीम जान साहब, बड़ा खुशी का पैगाम लैके आया, ते तुसी अपने दिल चो मैल कट दियो, समझ गया ना? बस सेठ साहब, बेहतर है कि असी पुरानी गल्लां छोड़ देवां ते बच्चों के मुस्तकबल की खातिर। बिल्कुल बिल्कुल अंकल चाह। ओ पुत्र, हूँ मैं तेरा अंकल नहीं हाँ बल्कि तेरा अबू हाँ, ऐसी बात तू मनु अबू कैसे? तो करीम जान साहब, ये नूरीन ऐसी बात तुहाड़ी धी नहीं गई, मेरी धी वे मेरी, तो मैं अपनी इस धी नू डोली च बिठा के ते इज्जत नाल अपने घर च लैके जा सां। बड़ी मेहरबानी सेठ साहब, बस तुसी दुआ करो कि अल्लाह धियां दे मुकद्दर अच्छे करे। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्किट लाओ ना। बड़ी मेहरबानी। आज अमरेश क्यों? सर तुसां को खतून मिलन वास्ते आए। ठीक है, तू उसनू बुला। सीधे आगे हो, बैठो। तुसी मैनू ये दसो कि किस सिलसिले में चाहे? सर मेरा नाम वफा है। वफा, अब बड़ा खूबसूरत नाम है। जॉब दे सिलसिले च आई हूं सर। मैनू तुहाड़ा पता मेरे कम दर्द ने दिता है। मेरी हमदर्द? उस हमदर्द का ना केवे? सारा सारा ना है उसका। अच्छा 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 अच्छा। सारा ने मेरे नाल जिक्र किया सी तुहाडे बारे च, ते सारा ते मेरे बड़े एहसानात, ते सारा ने एक एहसान मेरे ते होर कीता वे। तुसी बैठो ना, बैठो। अच्छा वो मैं के कहना है? सारा दी। हाँ, सारा जिस कार च रहंदी है वो कार भी मेरा वे जी। सर मैं मुलाजमत वास्ते आई हूँ।
ملازمت تے بڑا چھوٹا جا لفظ ہے ایکچولی میں تھانوں اپنے برابر دا درجہ دینا چاہوں میں تھانوں اپنے نال رکھنا چاہنا جی نہیں نہیں اگر تھانوں پسند ہوئے تے میں تھانوں اپنے دل جگہ دینا چاہنا تے جڑا گھر میں سارا دن نہ کیتا ہے وہ میں تھوڑے نہ کرنا چاہنا سر تسی تے میرے تے کچھ زیادہ مہربان ہو گئے ہو جی شمریس شمریس سر میں جاب مارو آئی ہوں تسی تے ساری دنیا میرے تے لٹا دیتی ہے جی سر تو اس طرح کر کے میڈم میں کار چھوڑ دیا ٹھیک ہے تے کل میرا ڈرائیور توانوں لے کے آ جا سا بہت شکریہ شکریہ تے تیرا وے سارا تیرا نوشاد آج بڑا خوش ہے بڑا خوش ہے نوشاد اوے کیڑے کیڑے دی پہن کر چھوڑیا سیٹ صاحب میں غلط گل نہیں کرنا بھاوا میں تو تیرے فائدے دی گل پیا کرنا میرے فائدے دی میں سمجھا نہیں گا مامے تے دیکھ میں سیدھا سادہ آدمی ہاں تے میرے نال سیدھیاں گلاں کر اسی خاطر تے کہنا وا سیٹ صاحب کہ سارے شہر وچ تیری عزت تے خدا نے اونچا شملہ دتا ہوئی ہن کن تر ذرا میری گل تے روز کے دروازے تے پولیس آوی ٹوک 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 تلے آ اے اچھی گل ہے اس خاطر کہنا وا کہ کریم خان دی تیزی اپنی جان بھی چھوڑا تے اپنے پتر دی بھی کریم جان بھی عزت والا آدمی ہے مامے عزت والا سمجھ گیا نا شریف بندہ ہے تے خدا ترس بھی ہے دیکھو سیٹھ صاحب میں تا کوئی کریم خان دا برا پیا نہیں کہنا میں تا توبہ اے دیکھو کن میرے لمے ہو گئے نے چھک چھک تے توبہ کر کر کے میں تے کریم جان دی اولاد دی گل پیا کرنا ہوں کہ توبہ جی اے جی بری اولاد اللہ کسی نو نہ دےوے دیکھ مامے تو میرے گھر وچ بیٹھ کے تے منو گلیاں پیا کرنا ہے او کریم جان دی تھی کون ہے میری نو میں نو تے ایک گل کن کھول کے سن لے میں جیا کچے کناں والا بندہ نہیں ہاں کہ تیرے پیندریاں چ آ جساں یاد رکھ مامے ایک گل کہ آئندہ میرے گھر دا آویں میرے گھر آئے ہو تو میں تیرا وہ اشر کرساں کہ سارا پچھوڑ دے ایک سی